सलमान को या किसी को, हमें क्या लेना देना भाई। पप्पू यादव एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अपनी बातों को रख रहे हैं। उनका मानना है कि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है, किसी भी नागरिक की रक्षा करना वो संविधान का काम है और सरकार का काम है, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। तो आइए सुनते हैं पप्पू यादव किस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देने के बाद, टूटपुंजिया गैंग बताने के बाद मुंबई भी गए थे, तमाम चीजों पर पप्पू यादव क्या कुछ बोल रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। अरोरा को जो धमकी मिला, जो आध्यात्मिक गुरु है, छोटे बच्चे, वो कौन सा मुसलमान है? आप मारना चाहते हैं या नहीं मारना चाहते, या आप जिसको जिसको मारे, मेरा कोई लेना देना ना, आप मारिए सलमान को या किसी को, हमें क्या लेना देना भाई। सरकार का दायित्व है सलमान को बचाना या ना बचाना, या किसी और का दायित्व है। हमारी हिफाजत की चिंता आप लोग मत करिए। हम 84 से 83 से कई तरह की परिस्थितियों का सामना करते हुए, हमको दिसंबर में हम 58 में हम जाएंगे। हमने कई तरह के सामाजिक खाइयों को पाटते देखा है। मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर, मैं आप लोगों के तरह जात पात नहीं करता हूं, ना मैं करूंगा। फिर मैं जो लोग जात पात की बात करते हैं, उनको याद दिलाना चाहूंगा, कोरोना का समय, पटना के बाढ़ का समय, हाथ जोड़ता हूं पैर पकड़ के। जो लोग मेरे गांव या अनजला आकर के नायक बनाए करते थे, आज वो लोग आलोचना करते। जब मेरा कोई परिपेक्ष ही नहीं है बाबा सिद्दीकी या कोई, मेरा परिपेक्ष है संविधान, कानून, देश। मैं उस संदर्भ में कहा हूं, जब कोई समाज टूटने लगता है तब मैं बोलता हूं, जब देश का संविधान कमजोर होने लगता है तब बोलता हूं, या किसी समाज को कोई तोड़ना चाहता है तब मैं वहां जाता हूं, या किसी समाज को कोई ताकतवर आदमी गाली देता है तब मैं अपना विचार रखता हूं, वो भी किसी से नफरत नहीं करता। आप क्यों करते? यदि हम डर ही गए तो क्या दिक्कत है? आपको इसमें खुशी क्यों है, आनंद क्यों आता है? पप्पू यादव डर गए, ठीक है मैं डर गया, तो डर गए तो मार दे। इतनी बड़ी धमकियों के बावजूद ना हम बम्बई गए थे, और 20 दिन हम झारखंड में रहेंगे 3 तारीख के बाद। हमें नहीं पता अमन साहू हो या मयंक हो, इसको किसने पैसे दिए, क्या इनको दर्द हुई। जुम्मा कुछ दिन पैदा हुए हैं, ये लोग पतरातू में और एक झारखंड जेल में है, और मयंक मलेशिया में। उनका क्या रिश्ता किससे है, क्यों दिया, क्यों करोड़ों रुपया लिए? पप्पू यादव से कहां प्रॉब्लम शुरुआत हुई इसकी, किसकी, मुझको नहीं पता। लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा कि मेरी निजी लड़ाई, व्यक्तिगत दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। मैं वैचारिक बात ट्वीट किया हूं, उसके अलावे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि आप जो करते हैं वो सरकार और कानून की जिम्मेदारी है, देश के आम नागरिक की सुरक्षा, चाहे वो गरीब हो या कोई आदमी हो, उसकी हिफाजत सरकार की जिम्मेदारी। उसमें मैं सरकार को आईना दिखा सकता हूं, उनके कर्तव्यों को याद दिला सकता हूं, और कुछ नहीं कर सकता। काम करना सरकार को है। न्यायपालिका और विधायपालिका यदि कमजोर हो गई, तंत्र, तो समझिए कि ये भारत कमजोर पड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा। मेरा आग्रह है कि न्यायपालिका को कमजोर नहीं होना चाहिए, सो मोटो नोटिस लेना चाहिए,
जब हर दिन धमकी दिया जा रहा हो कि आज उसको मार देंगे उसको मार देंगे, और सरकार जब अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा हो, तो मुझको लगता है कि हमारे पास न्याय व्यवस्था के अलावे कुछ नहीं बचा। तो इसीलिए मैं सांसद जी, तो आपने सुना पप्पू यादव किस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में बात कर रहे हैं, सलमान खान के बारे में बात कर रहे हैं, बाबा सिद्दीकी के बारे में बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि इनकी सुरक्षा जो है वो मेरा काम नहीं है, वो जो कर रहे हैं ये उनका काम है और सरकार का काम है कि कैसे उनको रोकना है और कैसे आम नागरिक की सुरक्षा करना है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। मैं बोलता हूँ लेकिन तब बोलता हूँ जब मुझे लगता है कोई समाज कोई समुदाय जो है वो खतरे में है, तो मैं अपना व्यक्तिगत राय रखता हूँ लेकिन मेरी निजी जो है दुश्मनी किसी से नहीं है। वहीं झारखंड में अपनी सभाओं के बारे में बता रहे हैं कि मैं झारखंड में जाने वाला हूं और जिसे मुझे मारना होगा मुझे मार देगा, मुझे अपनी सुरक्षा के लेकर के कोई भी बड़ी बात नहीं कहनी है। और जो लोग बोलते हैं कि मैं डर गया हूं, तो ठीक है मैं डर गया हूं। पप्पू यादव ने तमाम चीजों को स्वीकारते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।